नमस्कार बच्चों, जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? शेर, और कोई बोलो माँ। जिराफी, और खरगोश, और चीता, और लोमड़ी, और बोलो माँ। शेर और हाथी। हाँ ठीक है, हाथी। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? हाथी। आज हम हाथी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाथी जंगल में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। जानवर यानि एनिमल, जानवर यानि एनिमल, हाथी यानि एलिफेंट। तो हाथी कैसा जानवर है? सबसे बड़ा जानवर है। हाथी हमेशा अपने साथियों के साथ रहना पसंद करता है। हाथी कभी भी अकेला नहीं रहता, वो अपने झुंड के साथ रहना पसंद करता है। झुंड यानि अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ रहना पसंद करता है। इसके दो बड़े बड़े कान होते हैं, कान और दो छोटी छोटी आँखें होती है। इनके कान कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। और आँखें, इसकी इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी उसकी आँखें कितनी बहुत छोटी छोटी होती है, और कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा। हाथी की सूंड, सूंड यानि ट्रंक, हाथी की सूंड उसके बड़े काम आती है। सूंड से वह हाथ जैसा काम करता है। हाथी के सूंड से ही वह अपना पूरा काम करता है। जैसे हम अपने दोनों हाथों से काम करते हैं, वैसे ही हाथी अपने सूंड से काम करता है। इसकी सहायता से वह भोजन मुंह में लेता है। सूंड के द्वारा, सूंड यानि ट्रंक, ट्रंक के द्वारा ही वह क्या करता है? भोजन अपने मुंह में लेता है। हाथी को क्या क्या पसंद है बच्चों? हाथी को नारियल, केला, घास, पत्ते, गन्ना आदि यह बड़े चाव से खाता है। चाव यानि उसको बहुत पसंद। क्या क्या पसंद है बच्चों? नारियल, केला, घास, पत्ते, गन्ना और ऐसी कई चीज़ें उसे बहुत पसंद है, जिसे वह बहुत चाव, चाव यानि बहुत पसंद से खाता है। यह हमेशा अपनी सूंड और कान हिलाता रहता है। हमेशा वो एक जगह ठहर कर क्या करते रहता है? अपने दोनों कान और अपने सूंड हिलाते ही रहता है। हिलाना यानि मुंह करना। हाथी के चार पैर होते हैं। इसके पैर खम्भे के समान होते हैं। इसके हाथी का बड़ा शरीर होता है, जो कि किस पर टिका हुआ है? उसके चार पैरों पर टिका है। पैर कैसे होते हैं बच्चों? खम्भों की तरह। खम्भे यानि पिल्लर्स, जैसे मोटे मोटे पिल्लर्स रहते हैं ना, उस तरीके से उसके पैर खड़े रहते हैं। उतना भारी शरीर उठाने के लिए बड़े बड़े पैर होना है ना उसको। अगर नाजुक पैर रहेगा तो हाथी का उतना शरीर वो नहीं संभाल सकेगा। लेकिन हाथी के शरीर के जैसे ही उसके पैर भी बहुत मोटे मोटे खम्भे की तरह रहते हैं। इसके दो बड़े दांत होते हैं। ये दांत बड़े कीमती होते हैं। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, और बाहर निकले जो देखने को हमको मिलता है उससे वो नहीं खाता है। जो बाहर निकलते हैं वो हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। उन दांतों से कई चीज़ें बनती है, जैसी चूड़ियाँ, कई नक्काशे वगैरह उस पर डालकर लोग बेचते, तो उसके दांत बहुत कीमती होते हैं। पहले के ज़माने में हाथी का शिकार किया जाता था, लेकिन अब हाथियों का शिकार करना मना है। पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में हाथी का लोग शिकार करते थे, लेकिन अब सरकार ने सख्त मनाही कर दी। जो भी शिकार करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर हम शिकार ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? कि वो हाथी की जाति खत्म हो जाएगी, इसीलिए सरकार ने उस पर रोक लगा दी गई। हाथी को पानी में रहना बहुत पसंद है, और वो हमेशा पानी से ही खेलते रहता है। वह कैसे खेलता है? वह अपनी सूंड में पानी भरकर बाहर निकलता है, और यह खेल वह बड़े चाव से खेलता है। वह हमेशा पानी में रहता, पानी में वह कौन सा खेल खेलता है? सूंड में पानी भरता है और अपने ऊपर डाल देता, फव्वारे की तरह। अब हाथी को पालना
आसान नहीं है। हम थोड़े जानवर घर पर पालते हैं, जैसे जंगल में रहने वाले जानवर कौन से, घोड़ा है उसे भी हम पालते हैं, कुछ पक्षी है उसे भी हम पालते हैं, लेकिन हाथी को हम नहीं पाल सकते, इतना आसान नहीं है। पूर्वकाल यानी प्राचीन काल, पूर्वकाल यानी पहले के ज़माने में राजा महाराजा हाथी पाला करते थे। राजा महाराजाओं के पास बहुत सारा धन वगैरह था, इसीलिए राजा महाराजा लोग हाथी को पाला करते थे। वे हाथी पर बैठकर शाही सवारी करते थे। उनका क्या था वाहन, हाथी का, हाथी ही उनका वाहन था। वाहन यानी पूरा शहर उनको घूमना है तो वो किस पर घूमते थे, हाथी पर बैठकर ही पूरा शहर घूमकर आते थे, शाही सवारी बोलते उसको। अगर आज हम हाथी पर बैठकर जाएंगे तो लोग हम पर हंसेंगे, लेकिन पहले के ज़माने में वाहन क्या था, यही था, मोटर गाड़ी वगैरह नहीं था, तो पहले के ज़माने में हाथी घोड़े थे, तो राजा महाराजा लोग हाथी घोड़ों पर ही अपनी सवारी करते थे। अब हमको हाथी कहाँ देखने को मिलता, अब हमको हाथी मेलों या त्योहारों में हाथी को सजाया जाता है, कहीं कहीं हमको हाथियाँ दिखाई देती है। कहाँ पर देखते हैं हम लोग, मेलों में या त्यौहार के संदर्भ में हम हाथी को बहुत अच्छे तरीके से सजाकर मंदिरों में या मेलों में कहीं पर भी हमको देखने को मिलते हैं। हाथी बहुत वफादार व समझदार जानवर है। हाथी कैसा जानवर है, वफादार, वफादार यानी स्वामी भक्त, जो हाथी को पालता उसके तरह ही वह भी बहुत स्वामी भक्त रहता। और एक जानवर कौन सा है जो वफादार जानवर है बच्चों, आपको पता है? और एक कौन सा जानवर है माँ वफादार, जो घर पर पालते हैं हम लोग, कुत्ता, कुत्ता भी एक वफादार जानवर है। वैसे ही हाथी भी एक वफादार जानवर है। हम सबको इस अनोखे जानवर की रक्षा करनी चाहिए। अनोखा यानि उसके बराबर कोई नहीं, बहुत कीमती है ये जानवर हमारे लिए, इसकी हमको रक्षा करना चाहिए। और जो भी इसके प्रति शिकार करेंगे उसे हमको रोकना चाहिए। इसीलिए आज सरकार ने क्या किया कि जो भी शिकार करते हाथी या जानवरों का, क्योंकि ये सब जातियाँ धीरे धीरे कम होने लगी है, ऐसे कम नहीं होना, ये जानवर हमको चाहिए, इसीलिए ने सरकार ने उस पर रोक लगा दी गई है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आज का पाठ यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। इसके बारे में एक चार पंक्तियाँ आप लोग लिख लीजिए और पोस्ट करिए। धन्यवाद।